आज प्लेग्राउंड सीजन 3 में होगा एंटरटेनमेंट एक्सट्रीम, क्योंकि प्लेयर्स करेंगे एक दूसरे को रोस्ट और इन्हें जज करेंगे अभिषेक कुमार। तो मेरा भाई पिंगू। जीत गई, जीत गई। मैं तो तुझे अभी भाई बोल रही हूँ, अगर तू एक साल और बड़ा होता ना मैं तुझे अंकल बोल रही हूँ। पता है पहले ना बैलेंस मॉल्डिंग करता था, पूरे दिल्ली में ना उसके पोस्टर लगे हैं। कहाँ? सुलभ शौचालय। अबे और सुनो, उसके नीचे लिखा है रुप्त गोत के लिए। How are you everybody? How are you feeling? It is Star Power Friday episode. ये बात। यानी कि आज आपका होने वाला है पहला entertainment challenge. आज perform करने का मौका मिलेगा solo और team नहीं जीतेगी. आज आप जीतोगे only solo. क्या बात है? चलो. So, are you ready? Yes. Yes. आज एक गेस्ट आ रहा है जो आपकी एंटरटेनमेंट स्किल्स को जज करने वाले हैं। क्योंकि इस सीजन हम ढूंढ रहे हैं एक गेमर एंड एन एंटरटेनर, तो आज जो सबसे ज्यादा एंटरटेन करेगा उसको मिलेंगे बहुत सारे रंबल्स। सो समबडी इज वेटिंग फॉर यू इन द एक्टिविटी एरिया, लेट्स गेट गोइंग। Presenting the heartthrob of a lot of girls, the entertainer and the fitness icon, none other than Abhishek Kumar. Thank you so much. मैं ये शो देख रहा हूँ, बहुत अच्छा जा रहा है शो, तो मैं आप में जोश भरने ही आया हूँ ताकि आप बिल्कुल जो आपकी दिल में बातें वो जुबान पे आए, कड़वाहट पैदा हो और मजा आए, आपस में भी मजा आए, बहुत दोस्तियां भाईचारा निभा लिया आप लोगों ने। और अगर आप मुझे जानते हो तो मैं इसी चीज के लिए जाना चाहता हूँ कि मैं जो मेरे दिल में होता है वो मेरी जुबान पे होता है, मैं कुछ भी छुपाता नहीं हूँ, और अगर किसी को बुरा लगे किसी को अच्छा लगे मैं ऐसा ही हूँ। सही बात है, सही बात। अभी इनके बारे में कुछ बोलना चाहूंगा जो हमारे क्यूट से भाई साहब हैं। इनके पीछे क्या बोलूं मैं, लड़कियां पागल हुई पड़ी हैं यार। मतलब लड़कियां मेरे पिक्चर पे कमेंट करती है भाई के बारे में, पर भाई बहुत कंफ्यूज है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। अच्छा एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ देर से, अगर एक बोट में श्रेया जी हैं और स्वे जी हैं, बताओ, और दोनों डूब रही हैं तो तू किसको बचाएगा? अगर तूने मेरा नाम लिया मैं जूता फेंक के मारूंगी। दोनों में से? नहीं नहीं सच बताया, सच स्वे को। अच्छा मेरे को दूसरा कोई आएगा बचाने के लिए? आपको भी बचाऊंगा, मैं खुद डूब जाऊंगा। तो हम बात करेंगे पिंगू के बारे में। तो भाई मैं ना तुझ में अपने आप को देखता हूँ कि मतलब जो तेरे दिल में वो तेरी जुबान पे है, और तू बिल्कुल शरेआम बोलता है जो दिल में है, और बिल्कुल शर्माता नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि पिंगू सिर्फ जीतने आया, बाकी आप लोग तो सिर्फ यहाँ इंजॉय करने आयो। अभिषेक आया तो बहुत खुल के बोल रहे हैं यार, ये लोग काफी आग लगाई है आपने। अभी भी नहीं लग रहा खुल के बोल रहे हैं। भाई मैं तो बोलता हूं। हम ऐसे ही बोलते हैं भाई। मैं तो बोलता हूं। ग्राफ थोड़ा बेटर हुआ है। I would agree. Now we have another round, another challenge, the roast battle. क्या बात है? प्लीज बी ऑनेस्ट, आउटस्पोकन एंड एंटरटेनिंग, बिकॉज अभिषेक इज गोना जज कि सबसे ज्यादा मुंह पर कौन था और सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग कौन था। शुड वी हैव सीट्स? लेट्स गो। दैट्स योर्स। सो द फर्स्ट पेयर जो अभी रोस्ट होने वाले और करने वाले एक दूसरे को, उनका नाम है निशु एंड पिंगू। चल निशु चक दे पटे। तो मेरा भाई पिंगू। जीत गई, जीत गई, जीत गई। मैं तो तुझे अभी भाई बोल रही हूँ, अगर तू एक साल और बड़ा होता ना मैं तुझे अंकल बोलती। मुझे ना पिंकू ने ना रॉन्ग प्रूफ कर दिया कि हर चश्मे वाला ना स्मार्ट नहीं होता। पिंकू
करे इतने फंबल कि चिल ले गया उसके 50% रंबल। और अब तू बैठ और मंगा थोड़े डंबल। दादा खोल दिए पांडे जी। एक बार ना मैं रस्ते से जा रही थी, मैंने एक ना बीवी को ना अपने उसके पति को मारते हुए देखा। पता नहीं क्यों पिंगू मुझे तेरी याद आ गई। पिंगू और पिंगू का गुस्सा इतना ठंडा है जितना तेरा करियर। भाई मुझे लगता है पिंगू अपने वेट के साथ साथ ना अपना ब्रेन भी लूज कर गया। ऊपर नीचे दाएं बाएं चित भाई गीला कर दिया, गीला कर दिया भाई तोलिया दो। सॉरी अब मैं पिंगू के बारे में ज्यादा तो नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं ज्यादा सोचना नहीं चाहती क्योंकि मैंने सबको पहले क्लियर कर दिया आई एम नॉट इंटरेस्टेड। फर्स्ट लाइन आपने बोली थी ना वो तभी बेचारा खत्म हो गया। वेट फॉर इट प्लेग्राउंड वाले बोलते हैं ना कि अरे सोलो विनर है सोलो ही जीतेगा जो भी करेगा तो मैं तो प्रिपेयर करके आया हूँ और मैं किसी को प्रिपेयर भी करवा के आया हूँ और जो सोलो आया ही नहीं वो कैसे जीतेगा सोलो। हाँ बहनो ऊपर वाले ने जब इशू को बनाया था तो उनको फील हुआ ओ शिट ये तो गलती हो गई बट भाई ऊपर वाला वापस गलती कैसे कर रहा है। सुंदर गलती होना तो हर घर में एक गलती होनी चाहिए। अगर तेरे को लगता है ना मैं गंदा दिखता हूँ मेरी शक्ल अच्छी नहीं है मैं किसी का सेकंड कॉपी नहीं हूँ कुछ भी अरे मेरे को लगता है मैं किसी का कॉपी हूँ ही नहीं। आई एम व्हाट आई एम ओके दैट्स इट। मैं दानवीर करण के बारे में तो परसों ही सुना उसके बारे में पर पहली बार परसों देख भी लिया था जब करण कुंद्रा आके 1,00,000 रंबल दान पे देके गए वो भी मेरे स्टोरी के लिए समझ रहे हो। इसी बात पे इशू निशू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन कॉमन फॉर एग्जांपल फूड क्लोथ्स इमोशन एंड बैड चॉइसेस इन मैन मैन। तो दिल्ली की है ना वहां पे सरोजनी मार्केट रहता है वहाँ पे क्या है थोड़े से ऐसा सस्ते वाले कपड़े मिलते हैं थोड़े से बट अच्छे होते हैं मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। तो भाई देखो वो सारे सस्ते कपड़े पसंद है तो सारे तेरे को सस्ते लड़के भी पसंद है तो अपने सस्ते जस्टिन बीबर तो पसंद ही होगा। But I still look better than you. हट भाई लुक्स की बात वो लोग बोल देंगे लुक्स की बात वो लोग देख के कमेंट्स में बोल देंगे जब मैं यहाँ जीत के जाऊंगा बाद में ठीक है। तुषार कपूर तो पता ही होगा गुलमाल का और निशु का कंटेंट सेम है वो भी बिना कुछ बोले वायरल हो जाता है और ये भी ओरानी हो आए एक काम करते हैं ये पकड़ मेरी बहन निशु तेरे काफी काम आएंगे ये टिशू। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इसमें मैं अपने आप को देखता हूँ एक्चुअली वैसा अभी भी परफॉर्म कर रहा था कि जो अग्रेशन सा रहता है ना तो मेरे को बड़ा मैंने इसको कोई झूठी हुक्स नहीं दिए ना मैंने इसको बोला है मैं तेरे साथ रहूंगी या मैं तेरे को लाइक करती हूँ कुछ भी मैंने कुछ भी बट भाई तो बोल दिया ना बात ही खत्म हो गई बेचारे को कितना बुरा फील हुआ होगा यार। अब तो कोई सी नहीं अब तो बहन है ये मुझे पता है मेरे को कौन अच्छी लगती है अब से। जब तुम किसी को समझते नहीं किसी के बारे में तुम कभी सोच भी नहीं सकते हो उसको तुम पहले ही भाई बना। बट आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते हो किसी मैं फोर्स किया भी नहीं मैं फोर्स किया भी नहीं कहीं और फोर्स चल रहा है जिससे तुम 1,00,000 रंबल कमाए हो 1,00,000 रंबल कमाए हो ऐसे लग रहा है पिंगू काफी दर्द पहुंचा है। नहीं नहीं दर्द में इंसान बहुत आगे जाता है भाई जब दिल जुड़ता है ना तब ताकत तो मिलती है बट जब दिल टूटता है डबल ताकत मिलती है और वो दिल टूटा ही रहने थे ना उसको जोड़ने मत देना टूटा रहने थे और टूटते ही आगे बढ़ते रहो। मैंने से कोई होप्स नहीं दिया जो मैं सब आपको नहीं बोल रहा कुछ वो उसका दिल टूटा वो वन साइडेड टूटा टूटा रहने तो मैं उसको कह रहा हूँ जब मैं उस शो में था तो एक शायरी मैंने लिखी थी कि तू दूर रह के भी दूर थी तू पास रह के भी दूर है तुझसे प्यार ना करना चाहूँ फिर भी दिल ये मजबूर है
सब कहते हैं तू मूव ऑन कर जा, वो तेरी नहीं रही, पर एक तरफा प्यार करने का भी एक गुरूर है। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, बट दोनों का बहुत अच्छा था, बहुत। Hero Extreme 125R presents Playground Season 3, powered by POA.